सतगुरु के रूप में हमें शंकर रूपी अगर गुरु मिल जाए, शिव रूपी गुरु मिल जाए, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी सार्थक हो गई। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव हमारा गुरु बन गया, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। गुरु दीक्षा लेते समय कुछ चीजों का त्याग किया जाता है। उसमें एक फल भी आ जाता है। जब हम गुरु मंत्र किसी से लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु बहन भाई बनते हैं, गुरु मंत्र हम धारण करते हैं, गुरु मुख होते हैं, तो गुरु भी कह देते हैं कि आज तुमने गुरु दीक्षा ली है, अपने गुरु को एक ऐसा फल दे दीजिए जिससे अब तुम उसको कभी नहीं पाओ। बोलो सही है। गुरु ले लेता है, पहले तो बहुत त्याग होता था व्यसनों का, आड़ेटेढ़े कर्म कर्मों का, पर अब वो लोगों को अगर कह दिया जाए कि तू आज से ये मत करना, तो वो गुरु मंत्र ही नहीं ले ले। जा, जा हम गुरु ही चेंज कर देंगे, हमें क्या करना है। पर अब एक फल की मात्रता हो जाती है कि तुम उस फल का सेवन ना करो। कोई भी एक गुरु मंत्र लेते समय गुरु कह देता है जिससे आपको याद बनी रहे कि आप गुरु दीक्षा ले ले। जब वो फल तुम्हारे सामने होगा, तब गुरु का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। और वो फल कब काम आएगा? जब जब इस संसार से हम जाएंगे, बेतरणी के द्वार पर जब हम पहुंचेंगे, गुरु के शब्दों पर भी हमने अमल नहीं किया होगा, गुरु के वचन पर भी हमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हो सकता है हमको भोग ना पड़े। तब बेतरणी की चौखट पर, द्वार पर जब हम पहुंचेंगे, तो गुरु दीक्षा में जो फल दिया जाता है, वो फल वहां आकर खड़ा हो जाता है और आपको पार लगा देता है। गुरु पूर्णिमा आप पूरे वर्ष देवताओं को दान देते हैं, संसार को दान देते हैं, बहन बेटी को, कुटुंब कबीले को दान देते हैं। केवल एक गुरु पूर्णिमा का दिन कैसा होता है, जिस दिन गुरु के दरवाजे पर जाकर कुछ देने का मौका मिलता है कि आज मैं गुरु को ये दूं, और वो दिया हुआ भाग का एक टिकड़ आज सारे विश्व के गुरुओं के दरवाजे पर भंडारे भोजन हो रहे होंगे। गुरु के दरवाजे का एक चावल का दाना, टिकड़ का भाग गुरु पूर्णिमा के दिन का पाया जाता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में अगर कोई पाप कर्म करा हो, तो गुरु के दरवाजे पर जाकर उसके घर का एक अन्न का भाग या जल पीकर भी उस पाप को धोया जा सकता है। गुरु के चरण, सिंहासन पर बैठकर इंद्र भी गुरु बृहस्पति बाबा का अपमान कर देते हैं, देवताओं के गुरुओं का। और देव गुरु का जब अपमान हो जाता है, तो इंद्र को भी भोगना पड़ता है, कमल की डंडी के अंदर जाकर छुपना पड़ता है, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाए, तो उनके पास में बैठकर उन्होंने केवल एक प्रश्न बड़ा भारी किया कि हे देव, भास्कर देव, हे सूर्य देव, गुरुदेव, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में आप अजर और अमर हो। सूर्य देव की किरण जल वृष्टि होती है तो कहीं और दिखाई देता है, सूर्य की किरण कभी नहीं दबती, सूर्य अपना प्रकाश पूर्ण देता है। तो हनुमान जी ने कहा, मृत्यु लोक में अगर प्रमाणिकता जैसे
हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, विवाह होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, या हम कोई बड़े से बड़ा धर्म का कार्य करते हैं, तो उसकी साक्षी तो ध्रुव तारा देता है। भगवान विष्णु ने ध्रुव तारे को कहा था, ध्रुव जी महाराज को कहा था कि तुम साक्षी भास्कर देव, सूर्य देव और ध्रुव तारे को दोनों को मिलकर बनाया है। कारण क्या हुआ? क्योंकि सूर्य की साक्षी इसलिए रखी जाती है, गुरु दीक्षा के लिए इसलिए रखते हैं कि जब गुरु अपने मुख से शिष्य को गुरु दीक्षा प्रदान करता है और शिष्य उस मंत्र को श्रवण से लेकर अपने मुख से उच्चारण करता है, उस समय पर जो शब्द बोला जाता है वो वायुमंडल में संचलित रहता है। जैसे आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो गीता के शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस वायुमंडल में आज भी घूम रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े विदेश से आए हुए रिसर्च सेंटर वहां बैठकर उन शब्दों को ढूंढ रहे हैं कि वो गीता के कौन कौन से शब्द भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहे थे, उसको वायुमंडल से पकड़ रहे। जैसे मोबाइल से एक ने दूर इंदौर में बैठकर शब्द कहा, सुनाई यहां दिया, बोलो सही है कि गलत है, यहां से बोला तुम्हारे नगर में सुनाई दिया। इस बीच में जो तरंग चलती है, नेटवर्क चलता है, उस नेटवर्क को, उस तरंग को आज भी बड़े बड़े देश के लोग आकर उसको सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर यह है क्या, शब्द क्या है जो भगवान ने कहे थे, उन शब्दों को ढूंढा जाए। गुरु और शिष्य के बीच में जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो तरंग के रूप में भास्कर देव की साक्षी में रखा जाता है। क्यों? जैसे सूर्य अपना प्रकाश सब दूर फैलाता है, जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है तो दिल से दुआ करता है कि सूर्य जैसी चमक तेरे जीवन में बनी रहे, भास्कर देव जैसी चमक तेरी जिंदगी में बनी रहे, सूर्य जैसा प्रकाश संपूर्ण जीवन में बना रहे और तू अपने जीवन में हमेशा चमकता रहे। कोई गुरु नहीं होगा जो अपने शिष्य को नीचे देखेगा। गुरु भले शिष्य से मिले चाहे ना मिले, शिष्य गुरु के दरवाजे पर जाए चाहे ना जाए, पर गुरु हमेशा जब जब अपने शिष्य को याद करता है तो कभी अपशब्द नहीं कहता, दिल से दुआ ही देता है कि तू भले भूले उन्नति कर। वो तो दुनिया के लोग हैं जो एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरे गुरु को छोड़कर तीसरे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, तीसरे के चक्कर में छोड़कर चौथे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। इंद्रदेव ने जब विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तब विश्वरूपा जी से उनके पिता ने कह दिया था कि तू इंद्र को शिष्य मत बना। क्यों? जब ये बृहस्पति भगवान का अपमान कर सकता है तो क्या तेरा नहीं करेगा? गुरु ने समझाया पर चेला माना नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो गुरु बनाऊंगा, विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तो अपने गुरु का सिर चेले ने काट दिया, चेले ने गुरु का सिर काट दिया। जो कभी एक गुरु का नहीं हुआ वो दस जगह जाकर भी गुरु मंत्र ले ले, वो दस जगह जाकर भी गुरु दीक्षा ले ले, तो भी गुरु का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देवऋषि नारद ने तो मछुआरे को गुरु बना लिया था और मछुआरे ने तार दिया था। दत्त भगवान के 24 गुरुओं में तो वैश्या को भी गुरु बनाया है, मेंढक को भी गुरु बनाया, दरवाजे को भी गुरु बनाया। गुरु अगर एक भी मिल गया तो जीवन को सवार देता। ऐसी प्रेम भी छाना रे गुरु ने मंगाए, ऐसी प्रेम भी छाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सदगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सदगुरु ने मंगाई।
भगवान सतगुरु जो होता है वो जीवन को सार्थक बना। अगर रुक्मणी जी के गुरु जी नहीं होते ना तो रुक्मणी जी को कृष्ण भी नहीं देते। बाल्यावस्था में रुक्मणी जी को ज्ञान दिया कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, रुक्मणी ने उनको पति मान लिया हृदय से। आप रोज कथा सुनते हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, इस व्यास गादी से किसी गुरु के माध्यम से आप भगवान शंकर का जब गुणगान सुनते हो, शिव जी ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, शंकर भगवान वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जब शिव जी का गुणगान सुनते हो तो तुम्हारे भीतर जैसे रुक्मणी के भीतर कृष्ण बैठ गए थे। तो अंत में रुक्मणी तो जगदम्बा के मंदिर गई थी और भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने जगदम्बा के मंदिर जाना पड़ा था। अगर आपके भीतर शिव बैठ गए तो अंत समय में भी शंकर तुम्हारे दरवाजे पर मिलने वाला है, शिव तुम्हारे द्वार। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भवर बीच अटकी, और मेरो तुझो नहीं रे आधार गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदे हरि से जाए सुना देना। गुरु जीवन की सार्थकता का प्रबल बल देता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया सिराने मुँह, इसलिए शास्त्र कहता है इसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी, ऐसी रंगो गुरुदेव। बड़े हाथ से, दोनों हाथों से प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कुबेर भंडारी को गुरु बनाने के लिए आप लाखों की संख्या में पधारे हो, जोरदार ताली के साथ आनंद के साथ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो
कांगो गुरुदेव चुनर मोरी जय श्री रंगो गुरुदेव जय हो हे सतगुरु भगवान की जय हो वृंदावन गोकुल बरसाना देखो मेरी चुनर में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना देखो मेरी चुनर में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना देखो मेरी चुनर में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना देखो मेरी चुनर में गोवर्धन जैसा बूटा चमके पावन भूमि पर बैठकर हम कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर शिव महापुराण का मूल मंत्र जो कि जीवन की सार्थकता देने वाला है उस मंत्र का जाप कर कर जाएं, शंकर को अपना गुरु बना कर जाएं। संसार सागर में आने के बाद शिव रूपी गुरु हमको मिल जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जितने भी लोग आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ये 1 बजे से 2 बजे तक का जो प्रवचन देख रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शंकर भगवान से कहना आज से हमने आपको अपना गुरु मान लिया पिता मान लिया माता मान लिया शिक्षक मान लिया आप हो तो जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं आ सकता ये निश्चित है। इस पावन धरा पर संपूर्ण विश्व में देश और विदेश में बैठे हुए सभी शंकर के भगत आज अपने शंकर को गुरु बनाए या शिव को गुरु मान लें हृदय से चित्त से भाव से बैठ कर शिव महापुराण के मूल मंत्र को ही गुरु मंत्र का स्मरण कर कर मानकर उसका स्मरण करें। सब साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख हारो भोला सब दुख हारो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। एक गुरु अपने जीवन में शिष्य के लिए समर्पित होना चाहिए और शिष्य भी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। गुरु शिष्य की कभी निंदा नहीं सुनता और शिष्य कभी जम के बोलो गुरु की निंदा नहीं सुनता। कहते हैं जो जिंदगी में कभी गुरु की निंदा सुन लेता है
वो अगली योनि सर्प की पाता है, जिसकी श्रवण शक्ति नहीं होती। कई लोग कहते हैं सांप को सुनता है जब धुन बजती है, नहीं, धुन की तरंग से सांप नाचता है। सांप जो तरंग का कंपन होता है वो सर्प को आनंदित करता है, वो सर्प श्रवणता से नहीं। गुरु निंदा, परमात्मा की निंदा, शिव निंदा, जब हम भगवान के भजन में डूबे हों, या शंकर की शरणागति हमने प्राप्त कर ली हो, या हमने शिव रूपी गुरु को अपना बना लिया, तो जिंदगी में कभी शिव की निंदा ना तो करना है ना सुनना है, ये जिंदगी में उतार कर रहे हैं। समय आज थोड़ा सा कम है बाबा जी, एक घंटा मिला है, इसलिए आप लोगों को माइक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि समय की अवधि का थोड़ा सा ध्यान है। अब शिव कृपा से, शंकर भगवान के स्मरण से आप अगर शिव को गुरु बना लेंगे, शंकर को अपना बना लेंगे, मेरे महाकाल राजा को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को जब अपना बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि जिंदगी के हर मोड़ पर जब जब अटकोगे, जब जब कहीं कष्ट की घड़ी में खड़े होगे, उस समय पर अगर तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं आया, पर आज जो गुरु पूर्णिमा के दिन तुमने जो गुरु मंत्र कुबेरेश्वर बाबा के धाम से गुनगुना लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हॉस्पिटल में भी अगर कोई है, कहीं पड़ा भी हुआ है, और उस मंत्र का यदि स्मरण कर लिया, तो समझ लेना शिव रूपी गुरु तुम्हारे पास आकर खड़ा है। शंकर रूपी गुरु तुम्हारे पास में आ गए। भाई गुरु जिंदगी में ऐसा बनाना जो अपनी जिंदगी को भी सवार रहा हो और दूसरे की जिंदगी भी सवार हो, ऐसा गुरु मत बनाना कि केवल गुरु पूर्णिमा के दिन आसन लगा के बैठ गए और आते गए और मंत्र कानों में देते गए, चेला भी कहीं घूमे और गुरु भी कहीं घूमे, ऐसा नहीं चाहिए। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे, ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। तुम गुरु को पूछो मत पूछो, तुम गुरु को याद करो मत करो, तुम गुरु के दरवाजे जाओ मत जाओ, तुम गुरु पूर्णिमा पे जाके गुरु को धोक लगाओ मत लगाओ, उसके बाद भी कोई आकर कह दे तुम्हारे गुरु से कि गुरु जी वो तुम्हारा जो शिष्य है ना, जिसको तुमने गुरु मंत्र दिया था, वो तो उन महाराज जी के पास बैठा हुआ था, वो तो उस जगह पे बैठा हुआ था, तो भी गुरु के मुख से अपशब्द ना निकले और गुरु कह दे हे तो मेरा ही, वो कहीं पर भी जाए पर अंत समय में मुझे मालूम है वो शिव के धाम जाएगा, वो कहीं पर भी। उसने गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में बैठकर शिव मंत्र का उच्चारण करा है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण करा है, शिव तत्व का उच्चारण करा है। और एक बार शिव तत्व अगर हमारे भीतर आ गया, भगवान शंकर की शरणागति अगर हमको प्राप्त हो गई, किसी सदगुरु की शरण आप आओ, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं आप गुरु दीक्षा ले लें, गुरु मंत्र ले लें, और ये सोचें कि सीहोर वाले महाराज यहाँ मिल जाएं, तो आप कुबेरेश्वर बाबा से दीक्षा ले रहे हो, आप शंकर जी से दीक्षा ले रहे हो,
आप शंकर का मंत्र ले रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, तो सियोर वाले महाराज से बिल्कुल संबंध नहीं रखना। संबंध तुमको कुबेरेश्वर बाबा से रखना है, महाकाल राजा से, विश्वनाथ से रखना है। उससे मतलब रखो ना। आज गुरु पूर्णिमा है, कई लोगों के मन में आएगा हमें भी गुरु जी का चरण का दोहक लगाना है, हमें भी दोहक लगाना है, हमें भी दोहक लगाना है। अब गुरु जी का दो चरण है, ऐसा एक गुरु जी थे और वो दो चेले से बड़े परेशान थे। वो दोनों इतना लड़ते थे ना, इतना लड़ते थे, इनसे परेशान हो गए। एक दिन एक चेला चरण दबा रहा था, तो गुरु जी ने देखा कि दबाते दबाते दूसरा आ गया। गुरु जी मैं भी चरण दबाऊंगा। गुरु जी ने कहा दबा ले ले एक चरण। तो वो जीवाला दबाने लगा, तो उतने में वो लड़ने लगा, ये तो मेरा पांव है, तू नहीं दबाएगा। फिर उसको गुरु जी ने कहा ये तेरा पांव है, ये तेरा पांव है, ठीक है, ये रामू ये सामू, तुम दोनों का ये अलग अलग पांव हो गया। अब तुम दोनों अपना अपना पांव दबाना, लड़ाई बिल्कुल मत करना। एक दिन रामू का जो पांव था, गुरु जी तो कभी कभी बैठते तो आराम से बैठते पांव के ऊपर पांव रखा था। अब रामू के पांव पे सामू का पांव रखा था। रामू का गया गुस्सा, उसने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले क्या है, सामू का पांव कैसे आ गया मेरे पांव पे, अब उसको छोड़ूंगा। गया अंदर, डंडा लिया आया और सामू वाला पांव के दो। अब सामू वाला पांव दो चा, तो गुरुजी को हॉस्पिटल ले गए, पट्टा मट्टा बनवाया। थोड़ी देर बाद सामू आ गया। सामू ने आकर पूछा गुरुजी क्या है ये मेरे पांव को क्या हुआ। तो सारे लोगों ने बता दिया इस पांव को रामू है ना, उसने दोष दिया क्योंकि वो उसके पांव पे रखा था। उसको आया गुस्सा, वो भी लिया डंडा, उन्हें भी सामू का पांव, रामू का पांव दोष मारा। अब रामू के पांव पे भी पट्टा, ने सामू का पांव पे भी पट्टा। अब इसमें आफत किसकी हुई, बापड़ा गुरु जी। तो ऐसा नहीं है कि तुम दादा ये दो चरण सियोर वाला महाराज का छोड़ दो, मेरे कुबेर भंडारी का चरण पर। चरण से मतलब बिल्कुल मत रखो। और हम माताओं से भी कहेंगे, भाइयों से भी कहेंगे, चरण से कोई मतलब नहीं तुमको। अपने को तो केवल कुबेरेश्वर महादेव के चरणारविंद से मतलब है, राम जी के चरणारविंद से मतलब है, कृष्ण भगवान के चरणारविंद से मतलब है, हमें जगत के चरण से कोई मतलब नहीं। महाराज सतगुरु में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ती ना में कटी जावांगी। ये भजन गुरु का मतलब गुरु शिव का है, शिव गुरु का भजन। बड़ी मुश्किल से नल मिलया मेनु तेरा द्वारा है, ओ बाबा तेरा द्वारा है। बस तेरे द्वार का जो चौखट का आसरा मिला है, इस आसरे के आगे कोई आसरा नहीं। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, शंकर स्वयं गुरु का एक रूप। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम ऐसा। आप उसको जब नमन करें संपूर्ण, हम कहे ना शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल बहकर सुख सुंदरी के पास निकलकर गणेश जी कार्तिकेय से मिलता हुआ नीचे जाता है। नीचे जाकर वो जल 33 कोटि देवी देवताओं का जहाँ स्थान है, जिस जल को पाने के लिए 33 कोटि देवता खड़े रहते हैं, वो जल वहां जाता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म,
समय श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शिव रूपी गुरु को आपने अपना बनाया। आस्था चैनल पर एक घंटे का ये प्रवचन नहीं गुरु पूर्णिमा का, ये तो आस्था चैनल वालों ने संपूर्ण विश्व के लोगों को जो शंकर के भगत हैं उनको कुबेरेश्वर बाबा का शिष्य बनाना था, इसलिए प्रवचन चल रहा है। उनको महाकाल राजा का, उनको काशी विश्वनाथ का, उनको उज्जैनी नरेश का, उनको वेदनाथ जी का, उनको मल्लिकार्जुन का, उनको सोमेश्वर का, उनको भीमा शंकर का, उनको वेदनाथ जी का कुछ शिष्य बनाना था, इसलिए उन्होंने एक घंटे का समय देकर मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को संपूर्ण विश्व में आज गुरु पूर्णिमा के दिन 1 बजे से 2 बजे के प्रवचन में पहुंचा। ये शिव के द्वारा दिया गया है। शिव महापुराण जब चालू होती है ना तो उसमें महत्तम में आता है कि कथा का यजमान कौन बना, भगवान शंकर। कथा कौन वाच रहे हैं, तुमरुका जी। तो तुमरुका जी से एक बार भगवान शंकर ने कहा कि कथा तुम वाच लेते हो, तुमरुका जी नहीं नहीं हमारी कहां सामर्थ्यता जो हम वाच लें। वो तो शंकर यजमान भी है और शंकर वाच भी रहा है, कथाकार भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता, हमारी सामर्थ्य। महाराज गुरु के चरणों में रहकर जिंदगी की सार्थकता उत्पन्न करना, गुरु से ये आस मत लगाना कि ये हमको करोड़ों का धन दे देगा, फिर निवेदे सच्चे शिष्य की सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि गुरुजी परीक्षा बहुत लेता है, उस परीक्षा में गुरु ही अंक देने वाला होता है, परीक्षा भी वही लेगा और रिजल्ट पास का भी तुम्हारे हाथ में वही देगा, वही गुरु, कोई दूसरा नहीं। संपूर्ण विश्व के गुरुओं को, भारत की भूमि के जितने बड़े 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 गुरु हैं, जितने बड़े बड़े कथाकार हैं, जितने बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, जितने बड़े बड़े भी संस्थापक हैं, जितने विद्वान से विद्वान, आदिक से आदिक शंकराचार्य, आदिक आदिक जितने बड़े बड़े जगत गुरु हैं और जितने जितने बड़े बड़े कथाकार हैं, उन सभी के पावन चरणों को मैं नमन कर कर इस वाणी से इन सालों में कथा कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो अपना शिष्य मानकर क्षमा करना और इन गुरुओं के पावन चरणों को नमन करता हूँ जिनके चरणों में बैठकर दुनिया अपना कल्याण करती है। सभी गुरुओं को, विश्व के सारे गुरु, विद्वान से विद्वान कथाकार, विद्वान से विद्वान जितने पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य आदि के जितने 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 गुरु हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब के चरणों को नमन करता हूँ। भारत की भूमि के सभी विद्वान ब्राह्मणों को जो किसी ना किसी रूप में घर में आकर पूजन कराकर आपके इन श्रवण शक्ति में वेद और पुराण के मंत्र पढ़ते हैं, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूँ, वो भी गुरु के रूप में विराजमान हैं। सभी सहज नहीं ये जीवन, सहज नहीं मनुष्य की देह, सहज नहीं पर इस मनुष्य की देह से अगर कोई पार लगा सकता है तो वो कोई सतगुरु होगा जो पार लगा देगा। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, श्रावण मेले के उत्सव पर, कांवड़ मेले के उत्सव पर आज हम भी बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा
इन आने वाले भक्तों के जीवन में ऐसा गुरु मंत्र का संचार करना, अगर इनकी झोली कुछ खाली रह गई हो तो दूसरी बार जब आए तो खुशियों से भरी हो महाराज, जिंदगी की खुशियों से। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ये शिव का भजन है, शंकर का भजन है। पहली भिक्षा जल की लाना, शंकर के लिए अगर जल भी लाओ तो अपने हृदय चित्त का लेकर आना। पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, कुआं गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना।